बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा तो अभी मत भरिए, बिल्कुल रुक जाइए। और अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो भी अभी आपको रुक जाना है, अभी आपको अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करके कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए मामला क्या है कि बिहार बोर्ड ने जो OFSS का इस बार जो साइट लॉन्च किया, जो वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसमें कुछ तकनीकी, कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट है, कुछ टेक्निकल गलतियाँ रह गई हैं, जिसकी वजह से छात्र जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कई तरह की दिक्कतें उनमें आ रही हैं। इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन करते समय हो क्या रहा है कि डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं सही, चेंज हो जा रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कभी कभी कि फाइनल सबमिट करने के बाद या फिर फॉर्म को सेव करने के बाद वो डिटेल किसी और का आ जा रहा है, फोटो किसी और का आ जा रहा है, कभी कभी OTP नहीं आ रहा, ना ईमेल पे आ रहा, ना मोबाइल पे आ रहा। ये सारी चीजें, ये सारी दिक्कतें जो आ रही है ना, ये सब टेक्निकल यानी कि सर्वर एरर की वजह से आ रहा है। तो अगर आप अभी अपने फॉर्म को भरने का प्रयास करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, हो सकता है कि फॉर्म भरा जाए, लेकिन बिहार बोर्ड के पास आपका डिटेल गलत जा सकता है। और याद रखिए कि इस OFSS का जो इंटर एडमिशन का फॉर्म अभी भरा रहा है, अगर इसमें गलती रह गया तो फिर आगे जो इंटर के लिए 2025 के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होगा ना, उसमें भी यही डिटेल सेम टू सेम रह जाएगा। इसलिए आगे गलती ना हो, इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर फॉर्म आपने नहीं भरा अभी तक तो रुक जाइए, और अगर फॉर्म आपने भर दिया है तो भी आपको कम से कम एक दो दिन वेट करना चाहिए। जब सर्वर बिल्कुल फ्री हो जाए, ढंग से काम करना शुरू कर दे, तो आपको अपना फाइनलाइज भी करना है, एप्लीकेशन जो पहले से भर चुके हैं उनको फाइनल सबमिट करना है, और जो नहीं भरे हैं उनको भरने का प्रयास करना है। बिहार बोर्ड OFSS इंटर एडमिशन की ये तकनीकी जो गलती है, इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित हुए हैं, तो ऐसी गलती से आपका आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये चीज आपको समझ लेना है। अब एक बात यहां पर मैं और क्लियर कर दूं कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, किसी कारण से उनका फॉर्म या तो पेंडिंग में रह गया, या फिर उनका फोटो किसी और का आ गया, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया अपने आप, तो ऐसे छात्रों को सुधार करने का मौका मिलेगा, या तो सुधार करने का मौका मिलेगा या फिर आपके एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक जो डिटेल आपने फिल किया था, जो डेट ऑफ बर्थ डाला था, जो फोटो डाला था, वो अपने आप आ जाएगा, या तो अपने आप आ जाएगा या फिर आपको सुधारने का मौका मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन जो नए सिरे से फॉर्म भरने जा रहे हैं इंटर एडमिशन के लिए, उनको मैं कहूंगा कि आप एक दो दिन वेट कर लीजिए, सर्वर जब फ्री हो जाए तो आप अपना फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि आप फर्स्ट चॉइस में जो कॉलेज डालें, उस कॉलेज को बहुत सोच समझ के डालें, क्योंकि इस बार इतने सारे कॉलेज में प्लस टू का कोड दिया गया है, इतने सारे कॉलेज बढ़ाए गए हैं, प्लस टू स्कूल बढ़ाए गए हैं, कि आप जो फर्स्ट चॉइस दीजिएगा वो आपको बड़ी आसानी से मिलने के चांसेस हैं। अगर नंबर ठीक ठाक है, 60% या उससे ऊपर है, तब चांसेस बहुत ज्यादा है, वरना सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए फर्स्ट चॉइस में जो कॉलेज चुने, कोशिश करें कि जिसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं बस वही चुने। एक न्यूज जो बीच में आई कि अब इंटर में जो एडमिशन कराने वाले छात्र हैं, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन हो रहा है, अभी कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराना बाकी है, सब्जेक्ट चुनना बाकी है, अभी तो केवल आपको फैकल्टी चुनना है, आर्ट्स या साइंस। याद रखिएगा कि अभी जो इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन हो रहा है, इसमें केवल फैकल्टी चुनना है कि आप आर्ट्स में एडमिशन लेंगे कि साइंस में लेंगे कि कॉमर्स में लेंगे, अभी आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना है। सब्जेक्ट कब चुनना होगा, तो जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, जिस मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा ना, तो उस वक्त आपको मिलेगा इंटीमेशन लेटर, और वो लेकर के आपको जाना होगा उस इंटीमेशन लेटर में लिखे हुए कॉलेज में, और वहां सारा डॉक्यूमेंट जमा होगा, और तब होगा वहां पर एडमिशन, और उस वक्त आपको चुनना होगा सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट इस बार पेपर में आया था, परसों तरसों के पेपर में आया था, कि अब जो इंटर के छात्र हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, सबको अब वोकेशनल एक सब्जेक्ट रखना होगा, एक वोकेशनल ट्रेड यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट चुनना होगा। लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि बिहार के अंदर ऐसे कॉलेज जहां पर वोकेशनल कोर्सेज को पढ़ाने की व्यवस्था है, केवल उन्हीं में यह नियम लागू होगा। अगर आप किसी ऐसे प्लस टू स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं जहां पर वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई नहीं होती, वहां व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर आपको वोकेशनल सब्जेक्ट चुनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे साइंस में होता था पहले, आर्ट्स में होता था पहले, बस वैसे चुनना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि ये ऑनलाइन कहां से करेंगे हम, या फिर किस कॉलेज में वोकेशनल की पढ़ाई होती है, कहां पर एडमिशन कराने पर हमको वोकेशनल चुनना पड़ेगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कॉलेज इंफॉर्मेशन लिंक पे जाइए, वहां पर आपको कॉलेज में कितनी सीटें हैं उसके साथ साथ उस कॉलेज में वोकेशनल की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है वो मिल जाएगा। अगर वोकेशनल के सामने सीट की संख्या लिखी हुई है तो समझिए कि वहां पर वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है, अगर नहीं लिखी हुई है मतलब वहां पढ़ाई नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट चुनने में। और यही बात ऑनलाइन करने की, तो अभी एक दो दिन रुक जाइए, ऑनलाइन जब बिल्कुल ठीक से होने लगेगा, सर्वर जब बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन कीजिए, कहीं कोई
दिक्कत नहीं होगी। और भी कोई अगर सवाल आपका बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।